हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं साजिद हसन ऑफिशियल। आप प्लीज अगर इस चैनल को पसंद कर रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये चैनल मेरा और आपका है। लेकिन आपकी मुलाकात करवानी है बहुत इंपॉर्टेंट लोगों से, वो मैं करवाता रहा हूँ। आज मेरा एक बहुत गहरा दोस्त, इसको आप समझे नेपोटिज्म, तो उसके हवाले से आज मेरे साथ एक बहुत ही कमाल शख्सियत मौजूद है। नाम उनका सुहेल हाशमी है। सुहेल हाशमी साहब, थैंक यू वेरी मच। द ग्रेट मिस्टर साजिद हसन। ये देखिए, अच्छा ये इंटरव्यू करते हैं, रेडियो पे भी काम करते हैं, टेलीविजन पे भी बेतहाशा काम करते हैं, और आपको ये नहीं पता, पीटीवी के मार्केटिंग के डायरेक्टर रह चुके हैं ये। आपका पता चला है सुहेल हाशमी के कौमी तराने के जो बानी थे और मेरे मोहल्लेदार, वो आपके नाना थे। जी बिल्कुल, हफीज़े जालंधरी, और वो आपको बहुत पसंद करते थे। अल्लाह का बड़ा एहसान है कि मैं मॉडल टाउन उनके घर के साथ रहता था। उनकी शक्ल मुझे पता है क्या होता था, कि हफीज़ साहब की जो घर था उनके सामने से मुझे गुजरना पड़ता था। मैं बहुत छोटा था, 3-4 साल का। तो उन्होंने एक दिन मेरी वालदा से कहा कि इस लड़के को मेरे पास भेजो। अच्छा, वो मेरे लिए ज़रा बड़ी उम्र के थे, वो बैठे रहते थे कोने में, मुझे डर लगता था कि बहुत बड़ा सा उनका सहन था, कॉर्नर का उनका मकान था, और वो एक जगह बैठते थे और नज़र आते थे बैठते। सही। तो एक दिन उन्होंने मेरी वालदा से कहा कि इसको भेजो मेरे पास। मैं उनसे खौफ खाता था, हफीज़ जालंधरी, मुझे क्या पता कौन है वो, मुझे क्या पता तराना लिखा मैंने 3 साल का। I'll tell you why. अच्छा, एनीवे, उसका जो मैं तुम्हें तमहीद इसलिए लंबी बांध रहा हूँ कि जब मैं तो उन्होंने कहा जाए, मेरी मारला ने कहा जाओ तुम, तो वो मुझे रोज़ बुला के मुझे किताबें पढ़ाया करते थे, मेरे से गप लगाया करते थे, मुझे इंतहाई खाने खिलाया करते थे, चीज़ें ला के दिया करते थे जो मुझे वैसे अवेलेबल नहीं था। ये बहुत सालों बाद मुझे पता, बाद में पता चला कि दरअसल वो आपको मिस करते थे, और क्योंकि कहीं ना कहीं हम दोनों मोटे थे, आपकी भी शक्ल काफ़ी गेंडे टाइप की है और मेरी भी, तो इस वजह से वो उनको पसंद था कि मैं आपको मिस करने के लिए मैं आपको, मतलब यानी कि आपका बचपना क्योंकि लंदन में गुजरा। जी जी। और हमारा यहाँ गुजरा। हफीज़ साहब के बारे में पहले बताइए, अपने नाना के बारे में। उनके बारे में पहले मैं ये बता दूँ कि आप उनको इतने पसंद क्यों थे, बिकॉज ही हैड 7 डॉटर्स। माशा। तो Of course, my mother, it was his daughter. कौन से वाले? The second wife. The second wife. Meri nani thi, Anella. She was a Yorkshire lady. All right. She had these blue eyes. I see. That's where you got the... That is where I get the blue eyes. Hafiz sahab ki to bilkul Pakistani shakal thi. To usme, if he found out a person or a young boy who is not scared, because sab log, you know what he was like. Kaise the? Difficult as well. Wo galiyan ye wo, you know, he's... But if he liked you, then he loved you. And the mere fact that I am in Pakistan now, because when I was 5, 6, 7 years old, मैं आता जाता रहता था for holidays, तो उनके साथ, तो मैं if he wasn't well, मैं बिस्तर में जाके उनके साथ घुस जाता था, यार this guy is not scared of me, कौन है यार ये, तो there was, he had a liking, you know. क्योंकि उनके साथ बेटे तो एक बेटा बेटी का, absolutely, yeah. तो you तो special हो गए फिर तो बहुत ही. Absolutely, so I wasn't, you know, and you're not scared of anyone. तो फ्रॉम देयर देन ही यूज्ड टू कम टू लंदन फॉर हिज मुशायराज एज वेल, तो हमारी मुलाकातें वहाँ पे होती थी, एंड ही वाज द वन हु एक्चुअली गेव द पेट्रियटिज्म टू मी, बिकॉज यू नो बिफोर पाकिस्तान वाज फॉर्मड ही वाज देयर विद कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना, दे वर प्लानिंग दीज थिंग्स, दे वर फोटोग्राफ्स विद नेहरू एंड एवरीबॉडी एल्स, हॉलीडेज इन शिमला एंड ऑल दैट सॉर्ट ऑफ स्टफ हैपनिंग. So, you know, he's one of the members, with the founding members of People of Pakistan, and of course also in the army, to make sure ki unki poetry jo thi then helps get people into Pakistan. So basically, that is a little bit about Hafiz sahab. And okay, aapne aap kyunki London mein rahe to bahut kam interaction raha Hafiz sahab ke sath toward the end. He used to not as much, but he used to come, and we knew who we were, we knew where we came from, we knew all about Jalandhar, we knew all about these things, we knew all about partition, because he used to tell me ki ye hua phir wo hua phir, and you know, so for what was his take on partition, if I may ask? His take was the best thing that ever happened to Pakistan was which to is get true Pakistan. Now, mashallah, mashallah. Ab ek do teen saal pehle hume pata chala ki bhai, if there was any idea of the United States of India, ab to bhai shukr ada karte hain ki bhai, the vision was right of Qaide Azam Mohammad Jinnah. Even he wanted ki all India ho, lekin unne ek cheez dekhi, samjhi, unne kaha nahi, separate state, and that is it. And now we are seeing all of this.
आप अपने ऊपर आ जाइए कि आपका ये जो बचपन गुजरा तो आप हफीज साहब की जो घर है वो कहाँ है? मॉडल टाउन जी है अभी तक? किसके पास है वो? हिज थर्ड वाइफ. उनकी थर्ड वाइफ भी थी? यस, थ्री वाइव्स. माशाल्लाह. ही लव्स द लेडीज. Come on. You love the ladies. Primarily, if you want to talk about Suhail Hashmi, to London, England. 30 years. Born and brought up in London for 30 years. वो जैसे दुनिया भाग रही है पाकिस्तान से. I know. तुम छोड़ के पार पूरा लंदन छंडन दुनिया का महंगा तरीन मुल्क है. हाँ. उधर छोड़ के तुम इधर आ गए हो और यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर ये वो हर वक्त आप यहाँ चीखे दाड़ते ही करते रहते हैं. हम लोग तो हर वक्त यही कहते हैं न पानी है न बिजली है न पैसा है न बाइक है. तो तुम क्या कर रहे हैं अब यहाँ? जब मैं यहाँ पे आया After my marketing job, PTV pe. From there, I became into more of. I was already a stage actor in London, but I became into more of an actor here. I got known. ये जो पूरा नाम सुहेल हाशमी का है, with the acting and the production and the direction and the क्या कहते हैं the radio work, radio का जो काम, वो सब यहाँ से मेरा नाम जो निकला है, वो पाकिस्तान से निकला है, not in London. This was here. So if you're into this type of work and art and you're not that much into money. Not that much. In fact, money तो आती है अगर आप दो नंबर काम करें इसमें तो. Right. मगर यहाँ क्या खराबियाँ देख रहे हैं आप? असली बात बताएं कि आप क्योंकि हफीज साहब का एक मेरी गलती सारी गलतियाँ अच्छाइयाँ भी मैं ही बुराइयाँ भी मैं ही. You're everything. Thank you very much. You're everything, Sajid. You're everything. ये acting को आप इतना ज़्यादा पसंद क्यों करते हैं? ये जरा एक सवाल है क्योंकि आप डायरेक्टर मार्केटिंग बन के आए पहली दफ़ा और पाकिस्तान टेलीविजन जैसे बड़े इदारे का आपने एक अजीब हुलिया बदलने की कोशिश की. आपने मार्केटिंग में बड़े बड़े काम किए फिर आप पतली गली पर के निकल ली और आपसे जब पूछा गया कि क्यों छोड़ा आपने इतनी बड़ी जॉब को तो आपने कहा मुझे एक्टिंग का शौक है. आप पागल तो नहीं है? नहीं. 15-20 लाख की और उसमें से जो इंसेंटिव और जो रिश्वतें मिलती थी आपको माशाल्लाह. नहीं तो मैंने वो सब छोड़ के आपने ये काम शुरू कर दिया. मैंने पहले ये कहा था कि जब मैं बड़ा होऊंगा मैं साजिद हसन बनना चाहता हूँ. I want to be like you when I grow up. I haven't grown up yet. But देखे ज़िंदगी बड़ी छोटी है. We're gonna die soon. It's यार ये पता ही नहीं चला कब गुजर गई. I know. अब अंकल अंकल कहने लग गए सारे. तो मैं बार कोई अंकल नहीं कहेगा. So but the aunties are nice. So oh he knows. भाई क्या मतलब आप तो अब आए आप तो शुरू से इधर ही हैं भाई. अच्छा ठीक है. तो ये है कि बड़ी छोटी ज़िंदगी है और व्हेन आई एम गोइंग टू बी डाइंग वन एवर दैट इज़ आई डोंट वांट टू थिंक कि यार कि मैंने ये नहीं किया तो मैंने वो नहीं किया तो मैंने वो नहीं किया. सो एट लीस्ट इफ आई वाज़ टू बी पिक्ड अप टुमारो एंड गो वेयरएवर इट इज़ आई हैव टू गो जुपिटर मार्स लंदन द अदर प्लेस. नहीं आप जैसे लोग लंदन जाके इफ आई डाई. अजय काम तो बेड़ा गर्क हो गया जब से कोविड आया है. आप और मैं ये जो 6 फुट के फासले पे इसलिए नहीं बैठे हुए कि हमें पता है कि आपको कोविड नहीं है. Right. तो खुद कोविड है. साजिद वन थिंग दैट यू विल एग्री विद यू वेयर योर मास्क. आप अपनी चीजें मास्क करते हैं. मैं रेडियो में एवरी डे आई एम टेलिंग यू वेयर योर मास्क यू हैव योर सैनिटाइजर्स एंड एवरीथिंग. आपने गौर किया इनकी? आप जरा अंदाजा लगाएं कि आप ये देखें काला ये काला बाल काले और कुछ और पेट है. थैंक यू फ्रेंड. बड़ी मैचिंग चल रही. अच्छा यहाँ जब आप पाकिस्तान आए तो अब आपको कितना अर्सा हो गया इस फील्ड में आके पाकिस्तान में वापस? यहाँ पे सेकंड टाइम आई केम बैक आफ्टर लॉन्चिंग द चैनल इन अमेरिका आई बीन हियर 15 इयर्स. 15 साल हो गए. या 15 16 दो युग होते हैं ये हिंदुत्व में. दो युग थोड़े ज्यादा ही होते हैं. एक साल ज्यादा हुआ 7 साल का एक. तो 15 साल में अब आप टोटल पाकिस्तानी हो चुके हैं. आप चोरी वोरी करने लग गए. करप्शन हो गई आपके अंदर. रिश्वत देते हैं आप. पानी वानी खा जाते हैं घर में. आपने ड्रिल की हुई है. बैंक से लोन लेके उड़ा चुके हैं. ये सब कुछ कर चुके हैं कि नहीं कर चुके? नॉट येट यार बट थैंक यू फॉर द आइडियाज. मेबी वी कैन डू इट टुगेदर. मेरे पास ही है. आज तक का आपको हम कुछ कर नहीं सके इसलिए आइडिया दे देंगे. था गए तो ये कर रहे हैं आपको करप्शन शप्शन? मेबी वी कैन डू इट टुगेदर बिकॉज़ वी आर सच गुड फ्रेंड्स. मैं तो मेरी जान मुझे तो बद्दुआ है. मैं गलत काम कर ही नहीं सकता. मेरे बाप ने कहा तू जब भी गलत काम करेगा नाकाम होगा इंशाल्लाह. बस बेड़ा करे कि मैंने कोशिश की आपके साथ मगर हो नहीं सका और ना हो सकता. इस मुल्क का बड़ा अलमिया ये हो गया है कि आप यहाँ बुरा काम करेंगे तो आप पकड़े जाएंगे. अल्लाह का शुक्र है खान आ गया. ये बात सच है. आप खान की तरफ? आई बिलीव इन द trickle down effect jo hota na. If you have somebody good at the top and then regardless of whatever is happening then hopefully the trickle down effect will help. Aap to zamane mein Musharraf sahab General Musharraf ko bhi bahut support karte the. Fantastic. Yes, mere zamane mein wo hamare dost Yusuf Beg Mirza sahab again very good trickle down wo bhi mashallah wo bhi Mirza Yusuf Beg ke upar to main kitab likh raha hu unke bare mein ki yaar wo kaise kamal aadmi hai.
कि मेन में कम इन गवर्नमेंट्स में कम इन गवर्नेंस में को बट ही इज ऑलवेज इन द गवर्नमेंट व्हाई बिकॉज ही इज अ टेक्नोक्रेट ही इज द काइंड ऑफ गाय हु विल मेक मनी फॉर यू एंड अ वेरी प्रोफेशनल मैन आई हैव नोन हिम सिंस लंदन टाइम मगर अब तो निकाल दिए गए उस कोटरी से जो मेज पे थे नहीं नहीं आई थिंक ही अभी तक प्राइम मिनिस्टर में है पैसा हाउस में रह रहे हैं आई डोंट वांट टू से बट दे आर वेरी स्टिल हां मतलब पाकिस्तान टेलीविजन का क्योंकि आपको अंदर का तजुर्बा हुआ आप डायरेक्टर मार्केटिंग बने वहां के आपको पता लॉज किस तरह के हैं बाय लॉज द ब्यूरोक्रेसी स्टफ लाइक दैट यस नहीं ये जो चीजें हैं कि आप पीटीवी में जब गए तो डायरेक्टर मार्केटिंग उस जमाने में तो बहुत ही पावरफुल था अभी भी पावरफुल है पाकिस्तान टेलीविजन एक बहुत बड़ा इदारा है तो उसमें कितने साल आपने मार्केटिंग की है उसके डिपार्टमेंट का साल कैसा लगा वो आपको डिपार्टमेंट के बारे में बताएंगे पीटीवी के मसाइल और अच्छाइयाँ क्या क्या हैं चलो ये बताएं इट वाज अमेजिंग टाइमिंग के प्रॉब्लम्स चीज़ों के प्रॉब्लम्स एंड द रीज़न व्हाई वी डिड सो वेल इज बिकॉज व्हेन आई गॉट टू पीटीवी दे यूज्ड टू वेट के एड्स आएंगे सो व्हेन आई केम मैंने कहा वी आर गोना नाउ गो टू द क्लाइंट्स एंड दिस इज हाउ वी मेड मोर मनी आउट ऑफ इट और अब आपका ही फॉलो कर रहे हैं अब तो वहाँ ये चल रहा है बिल्कुल तो मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की पीटीवी के मैं प्रॉब्लम्स का पूछना चाहता हूँ आपको कि क्या ऐसी प्रॉब्लम है कि हमारा जो नेशनल नेटवर्क है वो सबसे बुरे मार्केटिंग के हालात में रहता है और जो प्राइवेट चैनल्स हैं वो ना सिर्फ प्रोग्रामिंग में बहुत आगे हैं मार्केटिंग में भी बहुत आगे हैं यूसी वहाँ पे एक किस्म की एरोगेंस तो मैं इस्तेमाल नहीं करूँगा मगरूरियत जो लोग वहाँ पे हायर होते हैं उस जमाने में शायद अब नहीं दे न्यू कि दे हैड अ जॉब फॉर लाइफ कोई भी आएगा कोई भी जाएगा यू हैव अ जॉब फॉर लाइफ आपको निकाल नहीं सकते आपको ट्रांसफर कर सकते हैं तो उस किस्म की लेजीनेस या उस किस्म की चीज लेकिन एज अ लीडर व्हेन यू गो देयर देन यू हैव टू मेक श्योर कि अगर इस माइंडसेट के लोग हैं व्हाट कैन यू डू टू गेट देम मोर इंटरेस्टेड मोर एक्साइटेड हाउ कैन यू गेट न्यू पीपल देयर यू नो मैंने तो वहां पे उस सिस्टम में जो आपने बेसिक बात बताई कि अगर कुशी जॉब है तो उसको तो मिलना है महीने के एंड में पैसा जो आप निकाल नहीं सकते बॉस का वो जवाब दे नहीं है अगर वो करेगा भी ज्यादा बकबक तो वो निकाल तो सकता नहीं है बॉस वी कैन ट्रांसफर देम बट दैट्स अबाउट इट मगर ट्रांसफर करने का भी क्या है हां तो उसको तो जॉब तो उतनी मिलनी है और हां ये है कि पर्क्स जो एक्स्ट्रा मिलने वाले थे वो खत्म हो जाते लेकिन लेकिन ये कहने के बाद जो जिन लोगों ने सीखा जिन लोगों ने हम सब एक दूसरे से सीखा तो दोस पीपल आर स्टिल इन contact with me. I have met some beautiful and wonderful friends in PTV and I still have those beautiful and wonderful friends because then I went back again as an anchor, Unwind with Sohail Hashmi. You were one of my main guests. देखा मैंने आपको देखा आपने हमीद हारून टाइप के लोगों से इंटरव्यू किए जो किसी को देते ही नहीं है इंटरव्यू आपको दिया उन्होंने हमीद हारून से भी दोस्ती आपकी very nice man very nice man he was the gentleman responsible for getting me into City FM 89 the radio लड़कियों के बारे में बताएं खबर शादी आदि क्यों नहीं करनी है आपने एक मेरी शादी थी वो दोस्त है भी यस एंड इट वाज अ वेरी नाइस शादी इट वाज अ वेरी गुड शादी एंड आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर माय नॉर्मली जब डिवोर्सेस होती हैं तो बहुत ही एक्रिमोनियस होती हैं गालियां देते हैं दूसरे पे घटिया घटिया इल्जाम लगाते हैं आप दोस्त हैं यस यार ये तो आपको बहुत ही गलत लोग हैं आप कैसे पाकिस्तान शर्म करें आप लड़ें बच्चों के लिए लड़ें दूसरे बच्चों को इस्तेमाल करें बीच में बच्चों को डालें लंदन में पैदा हुआ है ना इसलिए इस किस्म की तुम लोग तो ये गैरत है तुम लोगों को नहीं पता इन चीजों का हमको पता है आई एम सॉरी सॉरी आई एम रियली सॉरी अजी कौन दोस्त है तुम्हारे इस फील्ड में मशहूर मशहूर लोगों के बारे में बताओ जिनको लोग जानते हो साजिद हसन और अतीका ओडो वो कैसी खा तूने ब्यूटीफुल एंड थैंक यू वेरी मच फॉर गेटिंग अस टुगेदर फॉर अतीका वो कैसे खा तूने हमें खुद के साथ चलो अतीका को हम दोबारा शो करना ले अतीका शो ठीक है मगर अतीका को एज अ पर्सनालिटी डिस्क्राइब करें लोगों को बताएं कि अतीका किस किस्म की अतीका मैं उनको जनरल अतीका कहता हूं अच्छा मेरे लिए ना शी इज अ वेरी वेरी केयरिंग फ्रेंड I mean, she actually cares. Yeah, she really cares. मेरे बारे में तो ऐसा कभी नहीं हुआ. अभी यहाँ पे मुझे फोन कॉल आया. Hi Suhail, how are you? I'm getting in contact with all of my single friends. तुम ठीक हो? Is everything okay? And it's just a conversation, but it means so much. I mean, और अकेला वो आदमी दुनिया में उसको बिचारा पाकिस्तान में कोई हो ही ना. Hi, hi, hi. मेरे अलावा. I have you. अगर आप इसको कहीं भी देखें गुमशुदा घूम रहा है पता नहीं चल रहा है मेरे पास ले आइएगा ये पाकिस्तान में सिर्फ मेरे ऊपर आया है और अतीका के ऊपर आया है दूसरा बंदा अतीका के पास भी ले जा सकते तीसरा एक रेहान शेख भी है रेहान शेख
दुबई में रहता है? नहीं, इस्लामाबाद। वो उधरी का हो गया? हाँ, उधरी का हो गया। उसकी 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 फैमिली, उसका घर सारा, फैमिली हाउस, एवरीथिंग इज इन इस्लाम। बट यू आर बडीज फ्रॉम वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। यस, फ्रॉम लॉन्ग। वो कह सकते हो कि तुम्हारा सोल मेट है। नो, यू एंड आई आर लॉन्गर बडीज फ्रॉम वी बडीज सिंस 86। मी एंड रेहान आर बडीज सिंस 92। But he again with the family and the wife and the kids and everything else. और कौन है? और कौन है इस कोटरी में रहने के अलावा? और कोई है दोस्त? बहुत लोग हैं, बहुत लोग हैं जिनको जो लोग जानते नहीं हैं, मगर तुम्हारा एक नेटवर्क है हर जगह। Yes, yes, yes. मिर्जा साहब से भी सलाम दुआ रहती है। Yeah, yeah. मगर उनका साथ काम नहीं करोगे तुम? नहीं यार, मिर्जा साहब वो नौकरी शौकरी नहीं करोगे? He was the person responsible for getting me here. तो मैं तो बड़ा एक रिस्पेक्ट और बड़ा उनके साथ एक प्यार है। अरे गवर्नमेंट्स पे आ जाए, आपको मुशर्रफ साहब पसंद थे एक जमाने में, आप मुझे चाहते थे कि मुशर्रफ साहब को ज्वाइन करना है, वो ये वो। यस, ऐसा था। यस, मगर मैं आपको पता है, मैं गरीब सा आदमी हूँ, मैं बड़े लोगों से ज़रा भागता हूँ। आपको पता है, इनका को पता ही होता है, अच्छा वक्त है तो अच्छा है, बुरा वक्त है तो बहुत ही बुरा वक्त आ जाता है। सही, हमारे पास तो मुस्तकबिल बुरा वक्त है, तो हम तो आदि हो गए, अच्छा वक्त चाहिए ही नहीं। अब हमें अच्छा वक्त मिलेगा तो जल्दी मर जाएंगे हम। हमें तो सिसका सिसका के मारना चाहिए। मेरे जैसे अदाकार को ना तो सड़क पे कोई लाश वाश मिले, ये चाहते हैं पाकिस्तान के लोग। क्यों? यू आर द लकीएस्ट मैन। जो जितने लोग जो आपके फैन हैं, आपको पता है, दे प्रे फॉर यू। आई नो। एंड यू नो हाउ मच पावर देयर इज इन प्रेयर। अब मैं अपने फैंस की बात नहीं कर रहा, मैं एडमिन की बात कर रहा हूँ, जो बार बार मुझे बाहर निकाल देते हैं। मैं आपको कहना नहीं चाहता, जो काम देने वाले हैं ना, वो बड़े खतरनाक है इस मुल्क। वो बहुत कुछ मांगते हैं आपसे, आपकी इज्जत भी मांगते हैं, इज्जत नफ्स भी मांगते हैं, झूठ भी बुलवाते हैं आपसे। A little bit of monopoly can't harm. मैं पाकिस्तान का जो एंटरटेनमेंट का जो एक एलिमेंट है, वो बहुत, हम लोग बहुत पावरफुल लोग हैं। मैं आपको बताऊं, मैं जो टैलेंट देखता हूं, कोई एक खास वजह से शायद रुक गए हैं। उसकी बहुत सारी वजह शायद ये है कि हम सेंसरशिप का शिकार हैं, इंतहाई मायोपिक किस्म की सेंसरशिप, जिसमें आप ये नहीं दिखा सकते, ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। हाँ, आप ये दिखा सकते हैं कि मर्द चार शादियां करके जस्टिफाई कैसे करना, लेकिन आप ये दिखा सकते हैं कि बहू माँ के साथ क्या और फला के साथ क्या, ये चीजें हम दिखा रहे हैं। लेकिन इन द ज़ियाउल हक टाइम, व्हेन द प्लेज़ वर कमिंग आउट एंड देयर वाज सेंसरशिप, द पाकिस्तानी प्रोड्यूसर्स एंड डायरेक्टर्स फाउंड आउट अनदर वे ऑफ टेलिंग द स्टोरी। शादी करने का बहुत जल्द इरादा है? I don't know. करने का मूड है या नहीं है? मूड नहीं है, हो गई तो हो गई। इस उम्र में तो यही होता है, हो गई तो हो गई, बिल्कुल ठीक है। लेकिन चक्कर ये कि we were stuck in our work so much, and if there's one thing I regret, वो ये है कि they may have been nice women who have been around or whatever, but I just haven't seen, attention ही नहीं गई, so maybe I've lost out on quite a few things, I don't know, but I'm quite happy the way I am. तुम right circles में नहीं जा रहे हो। अच्छा, तुम right circles में जाओगे तो तुम्हें इस किस्म का होगा, तुम ये जरूरत रिश्ता नहीं पढ़ते हो, तुमको तो पढ़ने की जरूरत है। You're my friend, you introduce me to people. मैं तो कई दफा कर चुका हूँ, फिर मैं वो औरतें मुझे मारने आ जाती हैं। तुम पता नहीं क्या करते हो मुझे, मैं तो तीन दफा तो छुपना पड़ा मुझे तेरे घर जाके। No, but that is true. You have been quite helpful, and you have actually tried to help and said, "Yaar, this is a nice person," and which you have done. Anyways, बिल्कुल। Pakistan is your country now. Yes, 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 yes. You want to live here and die here. Yes. Is that true? Yes. Property ले लिया आपने? In the process of. कौन सी पार्टी को इसे फेवर करते हैं? The one that's already in. जो बैठी हुई है जी, जो जीते उदे नाल। आप तो बड़े पंजाबी निकले इसके बाद के, जो जीता हाँ। उसके साथ नहीं, आप पंजाबी जलंधरी साहब, तो जलंधर तो पंजाब में ही है। मैंने पहले कहा था ना आपको, the trickle down effect, we know that this man is sincere, we know that he is not corrupt, okay, so we're starting from dot, मगर it's a trickle down effect, yes, and it's a wonderful thing to have, that you can think about an international personality who takes care of us as far as the international is concerned, and also what is happening. Suhail Hashmi sahab ki mulaqat ke liye bahut shukriya. Suhail is a very dear friend. Aapne dekha har kism ki ghatiya baat main kar gaya isme. Yehi maza hai na. Doston ke sath aap kuch bhi keh sakte hain, magar main aapko ek baat bataun ki jab bhi main down and out hota hu to isko main phone kar leta hu. इसको मैं देखा है कि ये हमेशा खुश ही रहता है। ये कोई खास वजह आखिर बता दो कि तुम खुश कैसे रहते हो यार? पाकिस्तान में तो आधे लोग तो नेगेटिविटी के साथ मर जाते हैं। I'll tell you one thing. हाँ, बताओ। 30 years when you live in London and it rains and Mondays, oh God, nobody wants to go to school or to work on Mondays. यहाँ पे you wake up in the morning
and the sun is shining. Wow. And people are happy. And you can go and see your friends. Fine. ये थे उस सुहेल हाशमी, आपको मुलाकात करवाएंगे इनसे, आगे भी चल के हम डिस्कशंस करेंगे ड्रामे के हवाले से, बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू होगी। हफीज़ जालंधरी साहब, बहुत बड़ा नाम हमारे मुल्क का, जिन्होंने तराना लिखा, हम ऐसे हीरोज को बिल्कुल ना भूलें और मैं तो कभी नहीं भूलने दूंगा आपको। और अभी आप देखें उनकी औलाद, फिर उनकी औलाद ये आई है और अपने अपना एक किरदार निभा रही है पाकिस्तान में। तो सुहेल हाशमी से आपने मुलाकात करनी है तो FM 89 नहीं दबाया, आपको गुनाह होगा। पाकिस्तान में एक फनकार बेचारा गरीब, उसका बेल आइकॉन नहीं आप दबा रहे, शर्म करें।